अब से कुछ घंटों पहले बीती रात्रि में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोगों ने उल्कापिंड जैसी वस्तु को गुजरते हुए अपनी खुली आंखों से देखा और लोगों ने खूब फोटो सेशन के साथ वीडियो भी बनाए थे। कई जानकारों ने उन्हें क्षुद्र ग्रह बताते हुए पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश के साथ घर्षण में जल कर नष्ट होने की बात भी कही थी। पर आपको हैरान परेशान करने वाली सनसनीखेज जानकारी बताने जा रहे हैं जो हमें विश्वसनीय सूत्रों व कई मीडिया प्लेटफॉर्म के दावों से पता चली है। कल रात घटी यह घटना कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी और न ही वह कोई उल्कापिंड के टुकड़े थे, बल्कि चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था जो फिर से फेल हुआ और इस बार भारत की जमीन पर आ गिरा, जिसे हम प्राकृतिक नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट प्रोजेक्ट कई बार फेल हो चुका है, उसके बाद भी चाइना लगातार अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसका प्रयोग करता रहा है और भारत के विभिन्न हिस्सों में घटी घटना उसी रॉकेट का मलबा है जो चाइना के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का है। यह वही चाइना है जिसने भारत के चंद्रयान मिशन के फेल होने पर वहाँ की मीडिया और सरकार द्वारा जमकर भारत की हंसी उड़ाई थी और बीते दिनों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अनियंत्रित होकर पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरी थी, तब भी हमारी टेक्नोलॉजी पर चाइना ने जमकर हंसी उड़ाई थी। आज उसी चाइना का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B भारत के महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र की आबादी के आसपास टुकड़ों में गिरा है, जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा एकत्रित कर जाँच के लिए ले जाया गया है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि भारत के पास कई अत्याधुनिक तकनीक के डिफेंस रडार सिस्टम मौजूद हैं, फिर भारत इसे ट्रेस क्यों नहीं कर पाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना का यह फेल हुआ रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B भारत के वायुमंडल क्षेत्र में कई टुकड़ों में बिखर कर जलता हुआ आया, ऐसे में इसे ट्रेस कर पाना मुश्किल था। हालांकि जानकारों के मुताबिक भारत सरकार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल के बाद चाइना की इस करतूत को दुनिया के सामने लाएगी। इस पूरे मामले में गनीमत रही कि चाइनीज रॉकेट आबादी क्षेत्र से दूर गिरा, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, ऐसा सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है।